भी बहुत सारे मिठाई खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी शेयर करूंगी। और हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ मैंने मटर को रात भर के लिए सोख होने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं। और अब हम इसे धोकर कुकर में डालेंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे। और अब हम इसमें 3 से 4 कटे हुए आलू डालेंगे। यहाँ मैंने आलू को अच्छे से धो करके छील लिया था और फिर से एक बार वॉश कर लिया था। और इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। यहाँ मैंने कटोरी से पानी डाला है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक से हमारे मटर और आलू अच्छे से और जल्दी पकेंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके इसमें हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने देंगे। और गैस का फ्लेम 5 मिनट के लिए मीडियम करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, जिससे हमारे मटर और आलू बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कुकर में सीटी आना स्टार्ट हो गई है और हमारे पक रहे हैं। तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। और इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 2 कटोरी या 2 छोटी कटोरी मैदा डालेंगे। आप अपने हिसाब से मैदे का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे। और हम इसमें स्वाद और फ्लेवर के लिए नमक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक का यूज़ किया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच या 2 टीस्पून घी डालेंगे। यहाँ मैंने जमे हुए घी का यूज़ किया है। अगर आप मेल्टेड घी का यूज़ करें तो आप 2 चम्मच घी का यूज़ करें, या फिर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को साफ हाथ से अच्छे से मसलते हुए हम मिक्स कर लेंगे, जिससे घी और अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और हमें इस तरीके से इसे 1 मिनट के लिए मिला लेना है। और आप देख सकते हैं मैदे का इजीली लड्डू बन रहा है। हमें इस मिक्सचर को इतना ही मिलाना है। और चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सख्त या हार्ड आटा लगा लेंगे। हमें इसे चपाती से थोड़ा हार्ड ही आटा लगाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो प्रिपेयर कर लूँगी। आप देख सकते हैं डो हमारा अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और ये ना ज़्यादा लूज़ है ना ही ज़्यादा हार्ड है, एकदम मीडियम सॉफ्ट डो यहाँ बना के यहाँ मैंने तैयार कर लिया है। और अब हम इसे कटोरी या प्लेट से ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं आटा हमारे अच्छे से सेट हो गया है। हम इसे साफ हाथ से फिर से अच्छे से चलाते हुए चिकना कर लेंगे। और अब हम डो के मीडियम साइज के 2 से 3 लोई तोड़ लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसके लोई तोड़ ले रही हूँ। आपको जिस साइज का इसे बनाना है उस साइज का लोई तोड़ लें। और अब हम एक चकला लेंगे और इसके ऊपर लोई रखेंगे और लोई को रोल करते हुए हम इसे गोल कर लेंगे और इसे पेड़ा का शेप देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से रोल करते हुए इसे पेड़ा का शेप दे दिया है। और अब हम इसे बेलन से हल्के हाथों से अच्छे से दबाते हुए बेल लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अच्छे से इसे बेल लिया है। आप इसे जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बेल सकते हैं। इससे आपका काम और आसान और ईजी हो जाएगा। और आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा या सूखा आटा लगा करके भी इसे बेलेंगे तो ये ईजिली अच्छे से बेल लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे चकले के साइज में इसे धीरे धीरे करके बेल लिया है। और इस तरीके से आप पलटेंगे तो ये बिल्कुल भी चकला में चिपकेगा नहीं और हमारा रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगा। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। और इस और अब हम एक नाइफ या चाकू लेंगे और चाकू से इस तरीके से इसे हल्के हाथों से दबाते हुए प्रेस कर लेंगे, जिससे ये फूलेगा नहीं। आप चाहें तो चम्मच या फॉक से भी इस तरीके से होल कर सकते हैं या कट लगा सकते हैं। और अब हम एक इस तरीके का गिलास या ढक्कन लेंगे और इसे बिल्कुल छोटे छोटे पापड़ी साइज में कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक बार में इतने सारे मीडियम साइज के पापड़ी बना लिए हैं। इस तरीके से अगर आप पापड़ी बनाएंगे तो आपका पापड़ी झटपट से मेरी तरह
एक बार में 10 से 12 पापड़ी तो आपके इजीली बन जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक बार में 10 से 12 पापड़ी बना के तैयार कर लिया है। और इस तरीके से आप पापड़ी बना करके इसे प्लेट में निकाल के रख सकते हैं या आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से और ढेर सारे पापड़ी बना लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे जिससे कढ़ाई और तेल हमारा जल्दी गर्म होगा। और आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो गया है। और अब हम इसमें एक एक करके सारे पापड़ी डालेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे जिससे पापड़ी अंदर तक पकेगा। और इस तरीके से पापड़ी बनाएंगे तो पापड़ी आपके अंदर तक सिकेंगे और ऊपर से बिल्कुल ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम खस्ता बनेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पापड़ी एक तरफ से सिक गई है, तो हम इसे पलटते हुए दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से सिक पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें इसे गोल्डन या सुनहरा कलर होने तक फ्राई करना है। इसे हाई फ्लेम पे आप बिल्कुल फ्राई ना करें, नहीं तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे और ऊपर से ही सिर्फ इसका बहुत ही बढ़िया और सुनहरा कलर आएगा। तो इस तरीके से अगर आप पापड़ी बना करके इसे मीडियम फ्लेम पे इसे सेकेंगे या फ्राई करेंगे, और आप देख सकते हैं पापड़ी हमारे अच्छे से सुनहरा कलर के फ्राई हो गए हैं। और अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और सेम तरीके से हम सारे पापड़ी फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कुकर भी हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। और अब हम इसे चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं मटर हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं और ये इजीली प्रेस करने पे बहुत ही अच्छे से पिस जा रहे हैं। और अब हम इसे अच्छे से तड़का लगाएंगे। इसके लिए यहाँ मैंने सेम कढ़ाई में ही तेल को गरम कर लिया है और आप देख सकते हैं तेल हमारे अच्छे से गरम हो गई है। और अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे जिससे हमारे मसाले बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बहुत ही बढ़िया तरीके से बारीक कट कर लिया है। और अब हम प्याज को भी अच्छे से सुनहरा कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे या भून लेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम 20 से 25 सेकंड के लिए हाई रखेंगे जिससे प्याज हमारे जल्दी भुनेंगे। और आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छे से फ्राई होना या भुनना स्टार्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमने मटर में भी डाला था, तो आप जितना ज़रूरत है उतना ही नमक डालें। नमक डालकर हम इसे प्याज में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। नमक से हमारा प्याज जल्दी गलेगा और जल्दी सॉफ्ट होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारा प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और आप देख सकते हैं प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ मैंने घर के बने हुए अदरक लहसुन का पेस्ट का यूज़ किया है। आप इसकी जगह मार्केट वाले भी अदरक लहसुन का पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे बिना अदरक लहसुन के भी बना सकते हैं। और अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे जिससे अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब हम इसमें बारीक कटे हुए 1 से 2 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर डालकर हम इसे भी प्याज और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे और इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे जिससे हमारा ग्रेवी बहुत ही बढ़िया और थिक फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ इसे भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर से इसमें बहुत ही बढ़िया धनिया का फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें बिल्कुल बाजार जैसा कलर के लिए 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और इसे तीखा और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से प्याज के साथ मसालों को भी अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जिससे मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा और बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। देख सकते मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। और अब हम बॉईल किए हुए मटर और आलू डालेंगे। यहाँ मैंने पहले पानी डाला है। पानी डालकर हम इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे
पानी में मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम इसमें उबले हुए आलू और मटर डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसमें उबाल आने देंगे। और आप चाहे तो इस तरीके से आलू को मैश भी कर सकते हैं, जिससे हमारा ग्रेवी काफ़ी अच्छे से थिक हो जाएगा। या फिर इसकी जगह आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को भी पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं, उससे भी ग्रेवी हमारी थिक बनेगी। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे मसाले और मटर हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इस टाइम पे गरम मसाला आप ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया बिल्कुल बाजार जैसा खुशबू और फ्लेवर आएगा। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम मटर को ठंडा होने देंगे। और आप देख सकते हैं और चाट बनाने के लिए हमारा मटर बिल्कुल तैयार है। और अब हम एक पैन लेंगे और पैन में 3 से 4 ड्रॉप हम तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा हींग का फ्लेवर आएगा। और हम इन सभी को अच्छे से ऑयल में पकने देंगे। और आप देख सकते हैं ऑयल में पक गया है। और यहाँ मैंने इमली को पानी में 1/2 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से फूल गई थी। और इमली का पल्प निकाल कर यहाँ मैंने पल्प और इमली को अलग कर लिया था। और अब हम इसे पैन में डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, जिससे पल्प में बहुत ही जल्दी उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं साइड में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। और इस टाइम पे हम इसमें 3 से 4 चम्मच गुड़ डालेंगे। यहाँ मैंने गुड़ का यूज़ किया है, आप चाहे तो गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने मेल्टेड गुड़ का यूज़ किया, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हम गुड़ को इमली के पानी में अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। और आप देख सकते हैं गुड़ हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। हम इस स्पैचुला से इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे हमारी बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट मेल्ट हो जाएगी। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे और स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे। और इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा जीरा डाल करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए उबाल आने देंगे। और आप देख सकते हैं चटनी हमारी काफ़ी अच्छे से थिक हो गई है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और चटनी को ठंडा होने देंगे। और अब हम प्लेट पे इस तरीके से पापड़ी रखेंगे और इसके ऊपर मटर और आलू का बनाया हुआ चटपटा मसाला डालेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे ग्रेवी के साथ डाल रही हूँ और ये अभी भी काफ़ी गर्म है। अगर आपको लगे कि आपकी मटर ठंडी हो गई है तो आप इसे फिर से गर्म कर सकते हैं। और अब हम मटर का और आलू का मसाला इस तरीके से पापड़ी के ऊपर फैला के डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसके ऊपर इमली और गुड़ की बनाई हुई खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम इसके ऊपर दही ऐड करेंगे, दही को भी हम अच्छे से फैलाते हुए डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा चटपटा आएगा। और अब हम इसके ऊपर भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे, आप चाहे तो इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर 0 नंबर का सेव या नमकीन डालेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल पापड़ी चाट इंस्टेंट और झटपट घर पे बनके तैयार हो गई है। और इस तरीके से आप घर पे बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आप सभी।